हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वनपाल, वन रक्षक और PTET और पटवार सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे हम कह सकते हैं मराठा साम्राज्य। दोस्तों मराठा साम्राज्य से हमें एक क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिल जाता है, शिवाजी से संबंधित दोस्तों, है ना। तो जरूर से जरूर इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा, ये क्लास आपके लिए दोस्तों स्पेशल होगी। मराठा साम्राज्य पूरा अपन कंप्लीट करेंगे इम्पोर्टेंसी के साथ, ऐसे भी नहीं है, इम्पोर्टेंसी के साथ कंप्लीट करने वाले हैं मराठा साम्राज्य। दोस्तों परीक्षा उपयोगी प्रश्न होने वाले हैं, हर भाई हर बहन से निवेदन रहेगा क्लास के अंत तक बने रहिएगा, अगर आप पढ़ते हैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से और सच्ची मेहनत से। तो भैया आज का पहला क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से जवाब भी बनेगा और एडवांस्ड भी पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य का संस्थापक जो था वो कौन था, शिवाजी, शाहजी भोंसले, कोंडदेव या अफजल खान। दोस्तों जो वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है मराठा साम्राज्य का, वो हमेशा शिवाजी के साथ जाएगा, राइट आंसर है। शिवाजी का जन्म की बात करें शिवाजी के, तो दोस्तों 1627 में इनका जन्म होता है। कब? 1627 में इनका जन्म होता है, 6 अप्रैल के दिन, ठीक है, 6 अप्रैल 1627 के दिन जन्म होता है और शिवपुर में होता है। दोस्तों कहाँ पर होता है? शिवपुर दुर्ग में इनका जन्म होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु कौन थे? दोस्तों शिवाजी के गुरु का नाम आपको बताना है। आपने कहा सर पिताजी का, माताजी का नहीं पूछा, आप डायरेक्ट गुरु का पूछ रहे हैं, जी बिल्कुल यही तो बात है ना। चले तो पिताजी का नाम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल गुरु का नाम बताना है। शिवाजी के गुरु का नाम हरिराम दास नहीं था, गंगा भट्ट भी नहीं था, कोंडदेव हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कोंडदेव। यहाँ पर काफ़ी भाई बहन कन्फ्यूजन में रहते हैं, कौन सा कन्फ्यूजन सर बताइए हमें भी। चलो देखिए दोस्तों, एक तो कन्फ्यूजन ये है, शिवाजी के गुरु जो थे ना दोस्तों, शिवाजी के गुरु जो थे वो तो थे कोंडदेव, ठीक है, और लेकिन जो आध्यात्मिक क्षेत्र में की अपन बात करें, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था। दोस्तों अगर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन अगर कोंडदेव ऑप्शन आए तो करना ही करना है, अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो कोंडदेव करना है, अगर कोंडदेव भी ऑप्शन ना आए और केवल रामदास ऑप्शन आए तो भैया रामदास को टिक करके आ जाइयो, सही करके आओगे, 100% कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, शिवाजी से संबंधित असुमिलित कौन सा है? शिवाजी से संबंधित जो असुमिल, ये लो साहब, माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोंसले, पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों महिलाओं की भूमिकाओं की बात करें, अपन भारतवर्ष में जो जो महिलाओं को पढ़ते हैं, महिला के उस साहस को पढ़ते हैं, उस जिगर को पढ़ते हैं, तो दोस्तों जीजाबाई का नाम भी उसमें शामिल होता है प्यारे दोस्तों, है ना, और वो भी अभी के टाइम में नहीं, उस इतिहास में दोस्तों 1600 ईस्वी की बात है, उस समय की बात है ना। तो चलेगा, इनसे हमें कुछ जो है प्रेरणा लेनी चाहिए। शिवाजी से संबंधित इनकी माता का नाम जीजाबाई था, पिता का नाम शाहजी भोंसले था, इनकी पत्नी का नाम मोहिते नहीं था। ये मोहिते कौन थी? ये शाहजी भोंसले की दूसरी पत्नी थी, शाहजी भोंसले की दूसरी पत्नी थी, कि दूसरी पत्नी दोस्तों। तो आपने कहा सर फिर पिताजी का नाम सही है ना? हाँ सही है, माता का नाम सही है, तो सर इनकी पत्नी का नाम तो बताओ। चलो पत्नी का नाम जो था दोस्तों साईबाई निंबालकर था। क्या आप क्या रखेंगे, निंबालकर याद रखो या फिर साईबाई याद रखो, कोई एक याद रख लेना, गलत नहीं करोगे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और इन्होंने शादी कब की थी पता है आपको? बोले सर शादी की थी 1640 ईस्वी में, है ना, इतनी जल्दी कर ली थी ज़्यादा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाया? शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी जो है कब बनाया था? 1656 में, 1659 में, 1664 में या फिर 1770 में? तो दोस्तों शिवाजी ने जो रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया 1656 में बनाया था, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, शिवाजी को राजा की उपाधि दी गई थी, राजा की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? अगर आप में से किसी भाई बहनों को पता है तो मुझे ज़रूर बताएं, अन्यथा मैं तो बताने वाला हूँ, औरंगजेब ने दी थी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना प्यारे मित्रों, औरंगजेब ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने सूरत को किस वर्ष में लूटा? शिवाजी ने सूरत को कौन से वर्ष में लूटा था दोस्तों?
1667 ईस्वी में लूटा, 1670 ईस्वी में लूटा, या फिर अ और ब दोनों। तो शिवाजी ने सूरत को दोस्तों दोनों टाइम लूटा था, 1667 में भी लूटा, उसके बाद 6 वर्षों बाद 1670 में भी लूटा। तो दो बार लूटा इस सूरत को शिवाजी ने। अगर प्रश्न ऐसा बन जाए तो भैया भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। शिवाजी की पुरंदर की संधि किसके मध्य संपन्न होती है? दोस्तों शिवाजी की जो पुरंदर की संधि है किसके मध्य होती है? आपने कहा सर सवाई जय सिंह और जो है किसके मध्य दोस्तों, सॉरी सवाई जय सिंह नहीं, मिर्जा राजा जय सिंह है ना, मिर्जा राजा जय सिंह वे ये शिवाजी के मध्य होती है, दोनों के मध्य। अच्छा दोनों के मध्य होती है, लेकिन करवाता कौन है? औरंगजेब के लिए करते हैं ये, किसके लिए करते हैं? औरंगजेब के लिए ये संधि करते हैं। प्यारे दोस्तों अब कब करते हैं? बोले सर 1665 में करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी किले शिवाजी ने इनको भेंट किए थे। और दोस्तों अगर हम बात करें, चलो आगे बात करेंगे, सारी यहीं कर लेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? टीपू सुल्तान, अकबर, कृष्णदेव राय या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा हाँ अष्ट प्रधान तो दोस्तों शिवाजी के समय की थी। अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार में दोस्तों अष्ट प्रधान था वैसे। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, अष्ट दिग्गज किस में था प्यारे दोस्तों? अष्ट दिग्गज जो था वो कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य के जो है मुख्य रूप से जो राजा थे कृष्णदेव राय के समय अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। अष्ट प्रधान की बात करें तो शिवाजी के समय हुआ करते थे। और दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अगला क्वेश्चन, एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, देखिएगा जो अपना है ना नवरत्न जो है ना अकबर के समय और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भी हुआ करते थे, दोनों के समय हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, 1644 में शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया था, कौन से दुर्ग पर अधिकार किया था? बोले सर तोरण, रायगढ़, जाबली, कोंकण, चारों में से सर एक है। ऐसा कौन कह सकते, कोई नहीं कह सकते साहब ऐसा, क्योंकि सभी होशियार हैं, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, है ना। तोरण दुर्ग हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तोरण दुर्ग हो जाएगा। ध्यान रख दो साहब 1644 में इसको जीता था। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, कब की थी दोस्तों? आपने कहा सर ये करके जो है राज्याभिषेक करवाया इन्होंने अपना, तो 5 जून की बात है। बोले सर 5 जून तो डी में है, चलो 1674 की बात है दोस्तों, राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएगा, ठीक है। बोले सर कहाँ पे? बोले सर ये रायगढ़ दुर्ग में। अच्छा रायगढ़ दोस्तों, रायगढ़ में जो है ना वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान जो है कौन, श्री गंगा भट्ट के द्वारा इन्होंने अपना राज्य अभिषेक करवाया था। ओके सर ध्यान रखना है कि हाँ जी तभी तो। चलिए शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा जो बना था वो कौन बना था? शिवाजी के जस्ट बाद में दूसरा छत्रपति कौन बना था? आपने कहा सर संभाजी एवं कवि कलश बने, तो चलिए राइट आंसर सी ऑप्शन को लॉक करते। देखिए दोस्तों संभाजी बने थे वैसे तो, लेकिन क्या है कि आप का मतलब कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये कवि कलश कौन हुए? ये इनके सलाहकार हुए थे, ठीक है। क्या हुए? इनके सलाहकार हुए साथ साथ में, जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी की माता हुई थी, छत्रपति शिवाजी के जीजाबाई हुए थे, उसी प्रकार ही ये यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था दोस्तों? शिवाजी महाराज का अंतिम सैन्य अभ्यास जो था वो कौन सा था? कर्नाटक अभियान, सलहेर अभियान, पन्हाला अभियान या कोंडाना अभियान? बोले सर कर्नाटक अभियान हो जाएगा, राइट आंसर के हो जाएगो, कर्नाटक अभियान हो जाएगो। शिवाजी को किसने जयपुर भवन में कैद कर लिया था? प्यारे मित्रों शिवाजी को किसने जो है जयपुर भवन में कैद कर लिया था? आपने कहा सर औरंगजेब ने किया था। अच्छा औरंगजेब ने दोस्तों कब किया था? मई माह में किया था दोस्तों, मई 1667 में इनको किया था, ठीक है। संधि के बाद में संधि, पुरंदर संधि 1665 में होती है, उसके बाद 1667 में औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में कैद किया। और अगस्त
अगस्त 1667 में यहाँ से भाग निकलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिवाजी की सेना कितने भागों में विभक्त थी? प्यारे मित्रों, अपन ने इससे पहले बात की थी मुगल सेना में, मुगल सेना कितने भागों में विभक्त थी, कौन बताएंगे जल्दी बताना कितने भागों में विभक्त थी मुगल सेना, 3, 4, 5 या फिर 6, है ना, ये बताना है आपको मुगल सेना का। और शिवाजी की सेना जो कितने भागों में विभक्त थी, तो दोस्तों दोनों का जरूर बता दो क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शिवाजी की सेना 3 भागों में विभक्त थी, एक तो थी पागा सेना दोस्तों, क्या पागा सेना, जैसे हम कह सकते हैं नियमित घोड़सवार ठीक है, और एक कह सकते हैं हम सिलहदार किसे कह सकते हैं अपन, अस्थाई घोड़सवार सैनिक जो होते हैं उसे सिलहदार कह सकते हैं, और एक होता था पैदल जो है सेना ठीक है। तो ये तो 3 प्रकार की सेनाएं थी शिवाजी के समय की। ओके, मुगल काल में दोस्तों 4 प्रकार की सेनाएं थी, एक तो पैदल सेना थी, एक घोड़सवार थी, एक हाथी सवार थी, बोले सर एक और एक थी तोपखाना सेना ठीक है, तोप सेना कह सकते हैं आप। तो ये 4 प्रकार की मुगल सेना में थी। अगला क्वेश्चन है, छौत और सरदेशमुखी क्या था उस समय, मतलब शिवाजी के समय या फिर मराठा साम्राज्य के समय, छौत और सरदेशमुखी क्या था? आपने कहा सर ये एक प्रकार का कर था दोस्तों, और ये छौत और सरदेशमुखी ये कर जो है ना ये दूसरे राज्यों से लिया करते थे, उन लोगों की सहायता किया करते थे ठीक है। तो मुगतई जो है मुगतई नामक क्षेत्र से ये लिया करते थे ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 और 1805 में एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के समय मराठा पेशवा जो थे ना कौन थे दोस्तों? दोनों युद्ध जो हुए ना ये उस समय हुए थे, जो राजा थे यहाँ के बाजीराव द्वितीय दोस्तों, कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे साहब। हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो इतिहास पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी और कवि कलश को किसने गिरफ्तार किया था? संगमेश्वर में छिपे हुए थे दोनों और इन दोनों को गिरफ्तार किया था औरंगजेब ने, मखरब खान ने या शाहजहां ने या बैर से दोनों ने दोस्तों, कब की बात है? और ये छुपे हुए थे यहाँ पे और छुपे हुए इनको निकाल कर इनकी हत्या कर दी थी, बात है मार्च 1699 की ठीक है, मार्च 1699 की मखरब खान जो था इसने इन दोनों को निकाल कर और वहीं पर इनकी हत्या कर दी थी। और ये जो मखरब खान था ना ये मुगलों का सेनापति था, मुगलों का क्रूर सेनापति था एक। ओके सर ध्यान रखना है ना, हाँ जी। अगला क्वेश्चन है नंबर 17, संभाजी के बाद 1699 ईस्वी में किसको नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया? संभाजी के बाद में ना किसका राज्याभिषेक किया गया? राजा राम का, बाजीराव का, विश्वनाथ का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, राजा राम का। राजा राम यहाँ पर शासक बनते हैं 1699 में, यहाँ पे बनते हैं ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जो बनाया सतारा को दूसरी राजधानी किसने बनाया? तो राजा राम ने बनाया दोस्तों, अगर ऐसा आगे से क्वेश्चन बन जाए। और शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, वो 1656 में बनाया था, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और फिर अपना उसके बाद राज्याभिषेक भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ किस समय जो है, कौन से वर्ष में मारा, किस वर्ष में मारा गया या फिर इनका जो है ये वीर गति को प्राप्त हुआ? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। आपने कहा सर सी ऑप्शन लॉक करेंगे, चलो कर ही देते हैं, 1700 ईस्वी है ना, 2 मार्च के दिन बात है, 2 मार्च के दिन की बात है दोस्तों, ध्यान रखना ठीक है। और फिर इनकी जो विधवा पत्नी थी उनका नाम था ताराबाई ठीक है, ताराबाई थी ठीक है। और ताराबाई ने दोस्तों, ताराबाई ने क्या किया, अपने 4 वर्षीय पुत्र जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय, एक बार फिर से यहाँ पर ये वही माहौल हो जाता है जो शिवाजी का होता है ना, शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई थी ये ताराबाई दोस्तों, पुनः है ना। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब था। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में युद्ध कब होता है दोस्तों?
साहू एवं ताराबाई के बीच में 1707 ईस्वी में युद्ध कब होता है, पालखेड़ा के युद्ध में युद्ध होता है या प्रथम आंगल युद्ध होता है या फिर खेड़ा का युद्ध। तो प्यारे मित्रों ये युद्ध होता है खेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? खेड़ा का युद्ध। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। इसमें साहू जो है विजय हो जाता है, ठीक है, साहू जो है विजयी हो जाता है। और साहू कौन होता है दोस्तों? ये संभाजी का पुत्र था, संभाजी का पुत्र था, ठीक है। ओके सर, ध्यान रखेंगे। हाँ जी, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक किसने करवाया था, ये बताना है। देखिए दोस्तों, 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा साहू ने करवाया था दोस्तों, क्योंकि वो ताराबाई से जीत कर यहाँ पर अपना राज्याभिषेक करवाता है। नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक जो कि दोस्तों ये फिर है जो बने, और यहाँ पर क्या होता है जो मैंने आपको बताया नवीन मराठा साम्राज्यवाद को की स्थापना की, मतलब कि जो प्रवर्तक जो पेशवा लोग थे, ठीक है, तो उनको बनाए पेशवा यहाँ पे बनाए गए, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर यहाँ से पेशवा शुरू हो जाते हैं। नंबर 21, अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ निम्न में से असम्मिलित हैं। देखिए दोस्तों, अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ निम्न में से असम्मिलित कौन सी है? तो दोस्तों देखिए, पुरंदर की संधि, सूरत की संधि, बड़गांव की संधि या फिर सालाबाई की संधि। दोस्तों यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन होगा वैसे, है ना, क्वेश्चन आप गलत टाइप कर दिया है वैसे, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर करेंगे फिलहाल तो भी ठीक है। वैसे मैं आपको आपकी जानकारी के अनुसार बता दूं, ये जानकारी आप ज़रूर रखना, सूरत की संधि सही है, पुरंदर की संधि 1665 होगा दोस्तों, ये नहीं होगा, ये बड़गांव की संधि सही है, और नहीं, बड़गांव की संधि जो है 1779 में होती है, ठीक है, और सालाबाई की संधि 1782 में होती है। तो दोनों चीज़ें, तीनों चारों चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन चाहे हो या ना हो, लेकिन चारों जानकारी आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। ओके सर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भैया 1713 ईस्वी में साहू ने किसको पेशवा बनाया था दोस्तों? किसको जो है पेशवा बनाया था? राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1713 में साहू ने किसको पेशवा बनाया था दोस्तों? पेशवा शुरू कर दिए थे यहां से, तो बालाजी विश्वनाथ को बनाया था पेशवा, ठीक है, और साहू की मृत्यु 1720 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद फिर पेशवा बाजीराव प्रथम यहाँ पर बनते हैं शासक, पेशवा बनते हैं। पालखेड़ा का युद्ध कब होता है दोस्तों? पालखेड़ा का युद्ध जो है कब होता है? 1728, 1730, 1738 या 1740? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, ये मार्च माह में होता है, 1728 मार्च माह में होता है दोस्तों, बाजीराव प्रथम वे निज़ाम के बीच में होता है, और इसमें निज़ाम की हार भी हो जाती है, दोस्तों पालखेड़ा के युद्ध में, ठीक है, ध्यान रखेंगे सर। अगला क्वेश्चन है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब होती है ये आपको बताना है। दोस्तों बाजीराव, यही तो बाजीराव है जिन पर मूवी बनी थी, बाजीराव मस्तानी, ध्यान नहीं है क्या सर? है तो सही, चलो तो है, तो फिर ऐसे कैसे भूल सकते हो बाजीराव मस्तानी को, हैं? चलिए, तो पालखेड़ा का युद्ध दोस्तों इसी बाजीराव प्रथम और निज़ाम के मध्य होता है, निज़ाम को हरा देता है बाजीराव, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन, बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हो जाती है? तो दोस्तों मृत्यु हो जाती है 1740 ईस्वी में। बाजीराव प्रथम आपको याद हो तो मस्तानी नामक स्त्री से इनका प्रेम संबंध रहता है ना, तो दोस्तों ध्यान रखना। और इन्होंने ही 1737 में दिल्ली पर भी आक्रमण कर दिया था, इतने थे बाजीराव प्रथम। ओके सर, ध्यान रखेंगे। नाना साहब किसका उपनाम था दोस्तों? नाना साहब किसका उपनाम था? बाजीराव प्रथम का, बालाजी बाजीराव का, या फिर बाजीराव द्वितीय का, या फिर बालाजी विश्वनाथ का? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, नाना साहब जो नाम था ना ये बालाजी बाजीराव का उपनाम था, ये 1740 में जब बाजीराव प्रथम चल बसे थे तब है जो ये यहाँ पर शासन करने बैठे बालाजी बाजीराव, जिनका नाम नाना साहब था, 1740 की बात है। और दोस्तों इन्हीं के समय जल की संधि हुई थी निज़ाम और इनके मध्य, निज़ाम वे बालाजी बाजीराव के मध्य जल की संधि हुई थी दोस्तों। कौन सी जल की संधि हुई थी? नंबर 26 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
हर भाई हर बहन उत्तर देंगे जल्दी से। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य होता है दोस्तों? पानीपत का तीसरा युद्ध जो है किसके मध्य होता है? औरंगजेब शिवाजी, बाजीराव प्रथम और मुमर शाह मुगल, और बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली, बालाजी बाजीराव और मीर कासिम। पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है दोस्तों, बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के मध्य होता है दोस्तों। और अहमद शाह अब्दाली ने अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये भी है जो अफगानी ही था, ठीक है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये 1761 में युद्ध करता है ये, और इसमें मराठा हार जाते हैं वैसे, ध्यान रखना। और इस हार के बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु भी हो जाती है 1761 में, ठीक है? ध्यान रखना, 1761 में मृत्यु भी हो जाती है। वैसे युद्ध तो जनवरी में होता है दोस्तों, जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, और पहला दूसरा तो आप सबको पता ही है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है आपकी स्क्रीन पर। मराठों का मैक्यावली कैसे कहा जाता है दोस्तों? वैसे मराठों का मैक्यावली कैसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर, मराठों का मैक्यावली तो नाना फडणवीस को कहा जाता है। इनका दोस्तों बात करें मूल नाम की, तो बालाजी जनार्दन भानु इनका मूल नाम था दोस्तों, नाना फडणवीस, ठीक है? और अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ जो था उसने इनको कहा था ये मराठों का मैक्यावली है। क्या है? मैक्यावली है, ठीक है? ध्यान रख जो साहब। और अगला क्वेश्चन है 28 नंबर है, अष्ट प्रधान में पेशवा का पद वर्तमान के किस पद के समान था? अष्ट प्रधान में पेशवा का पद जो है वर्तमान के किस पद के समान था? सेनापति, राष्ट्रपति, राजस्व मंत्री या प्रधानमंत्री? तो दोस्तों अष्ट प्रधान में पेशवा का जो पद था वो वर्तमान के प्रधानमंत्री के समय का था दोस्तों, ऐसा था, ठीक है? और सेनापति की बात करें तो इसे सरी ए नौबत कहा जाता था दोस्तों, नौबत, ठीक है? और अगर हम बात करें जिस इस राजस्व मंत्री की, तो राजस्व मंत्री को अमात्य कहा जाता था दोस्तों। क्या? अमात्य कहा जाता था। ओके सर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, चिटनीस किसे कहा जाता था? चिटनीस जो है ना दोस्तों, उस समय किसे कहा जाता था? विदेश मंत्री को, न्याय विभाग के प्रधान को, या संधि विग्रह में के विभागों के अध्यक्ष को, या पत्रों की भाषा शैली को देखने वाले को? तो दोस्तों पत्रों की भाषा शैली को देखने वाला जो होता वो चिटनीस होता था, मतलब कि चिट्ठी को पढ़ने वाला, ठीक है? ऐसे ध्यान रखना है आपको। विदेश मंत्री की बात करें, इसे सुमंत कहा जाता था दोस्तों। और न्याय विभाग के प्रधान को जो है न्यायाधीश कहा जाता था। ये अष्ट प्रधानों की ही बात करें प्यारे मित्रों, ठीक है? और जो संधि विग्रह के विभागों का जो अध्यक्ष हुआ करता था वो वाक्यानवीस हुआ करता था, ध्यान रखना, ठीक है? चलिए साहब, बहुत बढ़िया। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आज मैंने बहुत सुपर फास्ट करवाई आपको, 30 क्वेश्चन विथ एडवांस्ड पूरा मराठा साम्राज्य जो महत्वपूर्ण था, है ना? 22 मिनट हुए अभी तक दोस्तों, ये क्वेश्चन और बाकी है अपना। नंबर 30 क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से संधि किस वर्ष में की थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी आखिरकार? तो दोस्तों 1815 नहीं होगा, 1817 भी नहीं होगा, 1816 भी नहीं होगा, 1818 हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है? अंग्रेजों ने क्या किया फिर आपको पता है? पेशवा का पद किया समाप्त कर दिया, पेंशन शुरू कर दी, और किसको? पेशवा बाजीराव द्वितीय को यहाँ से कानपुर भेज दिया गया, और वहीं पर इनकी जो है 1853 में जो है निधन हो जाता है। किसका? पेशवा बाजीराव द्वितीय का, ठीक है साहब? ओके सर, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन तो अब हम भूलेंगे नहीं दोस्तों, ये भूल सकते हैं आप, लेकिन अगर आपने लिखे हैं ना सारे के सारे प्रश्न, तो आप नहीं भूल सकते, वरना भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतने कोई देखिए एक बार में तो ऐसा है नहीं कि भी पढ़ने से एकदम से घोल है जो पी लिया और बस बिंदास, ऐसा नहीं होता। लिखेंगे एक दो बार, दो तीन बार और पढ़ेंगे तब याद होंगे, ऐसे नहीं होंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है, और कमेंट सेक्शन में देख के जाना ही जाना है ना सर, जरूरी है कहीं? हाँ तो जरूरी जे है, क्लास पूरी देख ले रही, इन प्रश्नों रो आप आंसर देवो ही नहीं तो पछे कई मतलब रहला, मनियो बताओ, कई मतलब नहीं रहला, पढ़ो और इन जवाब दो मन जल्दी। भारत रो जो क्षेत्रफल है नहीं, और संपूर्ण विश्व रे क्षेत्रफल लो कितो प्रतिशत है? 4.42% है, 2.42% है, या 17.5% है, या 10.61% है? कौन सो हो जावे लो राइट आंसर?
सही जवाब कहीं वेला आज चीज आप बाहर आन कमेंट सेक्शन में जरूर बताई जो आज री क्लास आज रो कंटेंट बढ़िया लागो है तो एक लाइक बटन दबा दीजो। अगर पहली बार वो चैनल माते तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो। बाकी जो मैं कहीं कहूँ और इन बारे में क्लास के बारे में जरूर बताई जो कितना प्रश्न सही होया और मराठा साम्राज्य कंप्लीट आप रहे हो योग नहीं हो है नहीं। तो चलो साहब आज रात को अपना फिर राजस्थान का दुर्ग राजस्थान के दुर्ग पार्ट दो होगा सभी तैयार करके आइयो। आप सभी का दिल से धन्यवाद बहुत बहुत आभार। जय हिंद वंदे मातरम।